Jealousy. Tonight I'm coming with the word of God again. आज मैं आपके पास आज फिर से परमेश्वर को वचन लेके आ रहा हूँ. Tonight my topic is what is happening in our world today. मेरा आज का शीर्षक है कि आज संसार में क्या हो रहा है. When I look to this particular topic today. जब मैं इस विषय को आज मैं देखता हूँ. I find that many prophecies is fulfilling today. मैं देखता हूँ कि आज बहुत से भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है. When we look to the life of Malachi, the minor prophet, and Isaiah, the major prophet, they have prophesied about the future, and today those prophecies fulfilling in our time. जब हम मलाकी छोटे भविष्यवक्ता और आइजाया यशाया बड़े भविष्यवक्ता उनके भविष्यवाणी को देखता है तो हमें पता चलता है कि आज हमारे समय में उनकी जो भविष्यवाणी है पूरा हो रहा है. Let's do the book of Malachi chapter 4 verse 1. आइए हम लोग मलाकी उसका 4 का एक अध्याय की ओर जाते हैं. God's word say. परमेश्वर का वचन कहता है. The great and dreadful day of the Lord is coming. वो धधकते भट्टे का सा दिन परमेश्वर का आ रहा है. The prophet say. ये भविष्यवक्ता कहता है. The bad day is coming. बुरा वक्त आ रहा है. And Isaiah chapter 16 verse 4b says. और यिर्मयाह उसका 16 का 4 ए भाग कहता है. Jeremiah chapter 16 verse 4a say that repeat. यिर्मयाह उसका 16 का 4 ए भाग कहता है. God's word say. परमेश्वर का वचन कहता है. They will die of deadly diseases. वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे. They will not be mourned or buried, but will be lie down laying on the ground. उनके लिए कोई छाती ना टूटेगा और ना मिट्टी देगा. वे भूमि के ऊपर खाद के समान होंगे. बी पार्ट से उसका बी भाग कहता है. They will perish by sword and famine, and their dead body will become for the birds and bees of the earth. वे तलवार से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे. When we look to this word of God, जब हम परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं, it is happening today. ये आज पूरा हो रहा है. Bible say here, परमेश्वर का वचन कहता है, they will die of deadly diseases. वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे. And Bible says, no one will mourn for the dead. और वचन कहता है कि कोई भी उनके लिए नहीं रोएगा. No one will bury the dead body. उनको कोई भी दफन नहीं करेगा. That is happening. ये हो रहा है. Today, no one is willing or ready to take coronavirus dead body back home or in the village. आज कोई भी कोरोनावायरस के जो लाशें हैं, कोई भी अपने घर पे या अपने गांव में वापस लेके जाने को तैयार नहीं है. And that will be happen because the word of God says so. और ये जरूर होएगा क्योंकि परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा है. I want you to read, write down those Bible references and read by yourself. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप लिखें और खुद जब खुद बाइबल देखकर पढ़ें. Isaiah chapter 34 verse 1-3. यस यशायाह उसका 34 का 1 से लेकर 3 आयत. God say. परमेश्वर का वचन कहता है. You sinful people, listen and pay attention to my word. तुम पापी लोग मेरे वचनों को मेरी बातों को सुनो और ध्यान दो. Your dead body will lay on the road with no one to pick them up. तुम्हारे लाशें सड़क पर पड़ी होंगी और कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं आएगा. And that's really happening today. और ये आज सच में हो रहा है.
I saw from this YouTube. मैंने YouTube से देखा. The corona patient fall on the road. Corona से ग्रसित जो patient था वो जमीन पर गिरा. Die on the road. सड़क पर मरा. But no one is ready to help them. परंतु कोई भी उसको उठाने के लिए मदद करने के लिए. Pick up the dead body. कोई भी उसको मदद करने के लिए या लाश उठाने के लिए तैयार नहीं. Go nearby the dead body. कोई भी उसके पास आने को तैयार नहीं था. Why this happening? ये क्यों हो रहा है? Because Bible say. क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा है. Bible say that no one will pick up the dead body. परमेश्वर के वचन ने कहा है कि कोई भी उनके लाशों को नहीं उठाएगा. The word of God is always truth. परमेश्वर का वचन हमेशा सच होता है. What God's word said will be surely happen. परमेश्वर के वचन जो कहता है वो हमेशा होएगा. So you and I have to believe the word of God. इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को विश्वास करना चाहिए. We cannot take the word of God lightly. हमें आसान तरीके से हमें परमेश्वर के वचन को नहीं खेलना. We cannot play with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ नहीं खेलना चाहिए. If we are not taking the word of God seriously, we are just putting ourselves in the fire. यदि हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से नहीं अगर मानते तो हम अपने आप को आग में डालने के समान कर रहे हैं. Isaiah chapter 24. यशायाह उसका 24 का. Let's see verse 3 to 6. आइए हम 3 से लेकर 6 आयत तक देखते हैं. Here the word of God say. परमेश्वर का वचन यूं कहता है. God devastation against nation due to disobey God and broken His everlasting covenants. देश लोग क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से अपना अमरता का जो वाचा था वो तोड़ा इसलिए परमेश्वर की तबाही उस देश में आई. Therefore, verse 10 and 22 say. इसलिए 10 और 22 आयत कहता है. Therefore, your city will be locked down and you will be shut up in prison in a small room without harvest. इसलिए कहता है कि तुम्हारा शहर बंद हो जाएगा और तुम बंदीगृह के समान अपने घर पे होगे बिना किसी अनाज के. Because of our obedience to God. क्योंकि हमारे इस नाम सुनने के कारण. Because of our sins. हमारे पापों के कारण. Bible say. परमेश्वर का वचन कहता है. Our city, our town, our village will be locked down. हमारा शहर, हमारा गांव बंद हो जाएगा. This lockdown is now from Prime Minister. ये बंद का जो आदेश है हमारे प्रधानमंत्री से नहीं. Because Bible say. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. You read Isaiah chapter 24 verse 10 and 22. आप यशायाह उसका 24 का 10 और 22 आयत को पढ़ें. Bible say because of our disobedience, our city, our village is going to lock down. क्योंकि हमारे ना सुनने के कारण परमेश्वर ने कहा है कि हमारा शहर, हमारा गांव बंद हो जाएगा. And we will be in the prison. और हम बंदी में होंगे. Today we are all in the prison. आज हम सब बंदी गृह में हैं. Because the Bible says so. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही यो कहा है. You cannot believe this, but this is the word of God. आप विश्वास नहीं कर सकते, परंतु ये परमेश्वर का वचन है. Bible say God is going to lock down our city. परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे शहर को बंद कर देंगे. Because of our sins. हमारे पापों के कारण. Because of our obedience to God. क्योंकि हमारे ना सुनने के कारण. We will be in the prison. हम बंदी गृह में होंगे. We are in the prison today. हम आज बंदी गृह में हैं. Bible say we cannot have our harvest. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपना अनाज नहीं पा सकते. Today we cannot go out and work and earn money. आज हम बाहर नहीं जा सकते, पैसे नहीं कमा सकते. When we look around our cities. जब हम अलग-अलग शहरों में हम देखते हैं. We look to our busiest city, busiest market. आज हम अपने जो सबसे बड़े जो मंडी है, जो शहर जो हम देखते हैं. All are empty. सारा खाली है. All are silent. सारा खामोश है. Because Bible says it is going to happen because of
our disobedience. परमेश्वर का वचन कहता है ये सब होगा हमारे ना सुनने के कारण. Today coronavirus COVID-19 killed over thousands of people worldwide. आज ये coronavirus COVID-19 बहुत हजार से भी ज्यादा लोगों को विश्व में मार डाल दिया है. This is the fulfilling of the prophecy and the word of God. ये परमेश्वर का वचन और भविष्यवाणी का पूरा का पूरा होने का संदेश है. Jeremiah chapter 7 verse 32. यिर्मयाह उसका 7 का 32 अध्याय. Once the prophet was in the valley of Son of Hinnom for worship God, but Judah used it to sacrifice children as burnt offering to the foreign goddess. एक समय की बात है कि जो हिनोम के जो वंश थे वो इस तोपेत का जो जगह था उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो जूदा है उसने परमेश्वर के जो वाचा है उसको तोड़कर उसको बच्चों के बलिदान के लिए इस्तेमाल किया विदेशी भगवान के लिए. जूदास वायलेटिंग गॉड्स कोवेनेंट एज अ रिजल्ट गॉड टर्न देयर तोफत सैक्रिफाइस इनटू अ प्लेस ऑफ सेमेट्री for them till there shall be no more place to bury the dead body. क्योंकि जूदा ने पाप किया परमेश्वर से वाचा तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने तोपेत जगह को बलि के बजाय कब्रिस्तान में बदल दिया. जब तक वहां की जगह पूरी तरह भर ना जाए. Today some countries there is not enough place to bury the dead body. आज कुछ देश में लाशों को दफन करने के लिए जगह नहीं है. And God's word says, this is going to happen. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पूरा होएगा. Dear friend, today the generation put science and technology in the place of God and ignore God, even go as far as there is no God exist. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के वंश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और विकास ने परमेश्वर की जगह ले ली है, और यहाँ तक कि लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं. People believe technology. People believe science, but they ignore God. आजकल के लोग प्रौद्योगिकी और विज्ञान को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर को मानने से इनकार कर रहे हैं. Many people today they don't even believe that there is God exist. आज बहुत लोग ये मानने को तैयार भी नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं. These are the biggest sin on earth. ये इस धरती में सबसे बड़ा पाप है. Therefore, we are facing such a disease. Deadly disease in our time. इसलिए आज हम अपने समय में ये बुरी बुरी बीमारियां से हम जूझ रहे हैं. Also, mankind greed, pleasure, pride, self-righteousness, and many more sins must be the result that we are facing this danger, deadly disease. और इंसान की लालसा, अभिलाषा, घमंड और अपने आप को धार्मिक कहलाना और बहुत बहुत पाप हो सकते हैं ये कारण जिससे हम ये महामारी से जूझ रहे हैं. But the God who we believe and trust is a loving God. परंतु वो परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं वो एक प्रेमी परमेश्वर है. If we ready to turn from our sin, come to Him, then He is ready to forgive us. यदि हम अपने पापों से हटकर उनके पास आएंगे तो वो हमें क्षमा करने को तैयार है. Second Chronicles chapter 7 verse 14 says. दूसरा इतिहास किताब उसका 7 का 14 कहता है. If my people called by my name humble themselves, pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। If we confess our sin, यदि हम अपने पापों से humble ourselves, और धर्म के नीचे आए, come to God, परमेश्वर की ओर आए, then He promises to forgive us. तो वादा करते हैं कि वो हमें क्षमा करेगा। He promises to heal our land. वादा करते हैं कि हमारी जमीन को वो छुएगा। This is the word of God. परमेश्वर का वचन है। Finally, let me give one Bible verse. Genesis chapter 28 verse 15. उत्पत्ति उसका 28 का 15. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है. Behold, I am with you, for I will not leave you until I bless you, I success you. और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए, वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा. What a wonderful God we serve. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Believe him. विश्वास करो। Obey him. उनको मानो। Trust him. उनका विश्वास करो। Then he will set you free. तो वो आपको आपको बंदी से आपको निकालेगा। He will protect you. वो आपको बचाएगा। He will deliver you. वो आपको सुरक्षित से निकालेगा। आपको आशीष देगा। He will heal your land. आपको आपकी जमीन को आशीष देगा। God will remove this kind of virus from our land, our nation, universe. परमेश्वर इस कोरोना वायरस को हमारे देश हमारे संसार से निकालेगा। For that we have to turn away from our sins. इसलिए हम इस हमें अपने पापों से हमें हटकर परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। We don't believe. और उनको विश्वास करना चाहिए। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। God bless all of you. परमेश्वर सबको आशीष दे। Good night. सबको जय मसीह।